नए IPOs के बारे में जानिए एंजल वन के YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम बनाते हैं वीडियोस नए इन्वेस्टर्स से लेकर एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए। और अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। In this video, we will take a quick look at some of the key points of CE Infosystems IPO. So stay tuned. इस IPO का total size rupees 1,039.61 crores है, जो पूरा offer for sale है of 1 crore shares by selling shareholders. ये issue 9th December 21 को खुलने वाला है and closes on 13th December 21. The price band is rupees 1,000 to rupees 1,033 per share and the bid lot is 14 shares. शेयर्स के लिस्टिंग पर कंपनी का मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड के अनुसार रुपीज 5,500 करोड़ रहेगा और RHP के अनुसार शेयर का लिस्टिंग लगभग 21 दिसंबर 21 को रहेगा। बात करते हैं इस इश्यू के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। सिंस ये IPO पूरा OFS है तो इस IPO से कंपनी को कोई भी फंड्स हासिल नहीं होने वाले, पर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के बेनिफिट्स जैसे कि रिकॉग्निशन एंड एनहांस्ड ब्रांड इमेज ये कंपनी को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। CE Infosystems CEIS इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज की। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, APIs एंड सॉल्यूशंस इंडियन मार्केट में मैप माई इंडिया ब्रांड के अंदर प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनल मार्केट में मैपल्स ब्रांड के द्वारा प्रोवाइड करती है। CEIS की ऑफरिंग्स को क्लासिफाई किया जाए तो इट इज डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, MaaS, Software as a Service, SaaS and Platform as a Service, PaaS. As per the RHP, company ko digital maps ki coverage ki baat kare, to it is 6.29 million kilometers of roads in India, jo 98.5% of India's road network hai. As of September 21, company ki customer count 500 thi, jisme se jaani maani companies, kai global tech giants, new age consumer internet technology companies, leading automated manufacturers, large business across industry segments such as BFSI, telecom, FMCG, industrial logistics and transportation, and key government organizations shamil hai. Key names ki baat kare to PhonePe, Flipkart, Yulu, HDFC Bank, Airtel, Hyundai, MG Motor, Aeris, Safe Express and Goods and Service Tax Network, ye sari companies CEIS ki clients mein shamil hai. अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रोफाइल की तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू B2B एंड B2B2C से आते हैं। कंपनी अपने कस्टमर्स को फीस पर व्हीकल, पर एसेट, पर ट्रांजैक्शन, पर यूज केस या तो फिर पर यूजर बेसिस पर चार्ज करती है। ये ब्रॉडली टू की मार्केट से ड्राइव होता है, जो है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेटिव एंड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रेंथ्स या पॉजिटिव पॉइंट्स, CEIS के पास एक अर्लियर मूवर एडवांटेज है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी डिजिटल मैपिंग में पायनियर है। इसके चलते B2B और B2B2C मार्केट में डिजिटल मैप्स में कंपनी इंडिया में लीडरशिप पोजीशन में है। उनके मैप्स की रेंज के बारे में हमने बात कर ली है, पर अगेन और भी डिटेल में बात करें तो CEIS डिजिटल मैप्स लोकेशन, नेविगेशन, एनालिटिक्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर 7,933 टाउन्स, 637,472 villages, 17.79 million places across many categories such as restaurants, retail shops, malls, ATMs, hotels, police stations, electric vehicle charging stations, etc. and 14.51 million houses or building addresses. Coming to positioning, so company ki innovations in the space of digital maps, geospatial and transformation and solution, jo India ki challenging geography ke liye localized kiya gaya hai, jisse company ke anusar ek competitive advantage deta hai, aur ye ek entry barrier bhi sabit ho sakta hai. Additionally, company ke maps aur platform continuously interconnected hone ke karan, ek company ko ongoing feedback milta hai aur customers dwara submit kiye gaye inputs bhi validate hote hain. तो इससे डेटा की फ्रेशनेस कायम रहती है और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव रहता है। फाइनली हमने कंपनी के कस्टमर्स के बारे में तो बताया, बट यहाँ पे एडिशनल पॉइंट ये भी है कि क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने के कारण कंपनी को अपसेल या क्रॉस सेल करने का मौका मिलता है, जिससे रेवेन्यू बढ़ती है। As for financials, it is good to see that despite of difficulties in 21, company ki revenue mein growth dikhti hai. This is important kyunki company ke A&M customers par COVID ke karan impact aaya tha. But company ne strong EBITDA margins post kiye hain and company has strong ROEs and cash generations.
कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क की बात करें तो कंपनी काफी हद तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर रेवेन्यूज के लिए निर्भर है. एज द इंडस्ट्री वॉज ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग इवन बिफोर कोविड इन 2020, ये सेक्टर में स्लो डाउन आने के कारण कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है. मेजोरिटी रेवेन्यू सिलेक्टेड फ्यू कस्टमर्स से आता है. एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 22, 80% ऑफ द रेवेन्यू वॉज डिराइव फ्रॉम 25 एंड 18 कस्टमर्स रिस्पेक्टिवली. सो एनी लॉस ऑफ कस्टमर रिडक्शन इन डिमांड फ्रॉम की कस्टमर्स कैन बी अ रिस्क. The liberalization of digital mapping industry may increase their competition, which can be a risk. But for additional risk factors, please refer to the risk factors mentioned in the RHP. At the upper end of the price band, the price to sales multiple commanding is 36x on financial year 21 revenue and 28x based on TTM revenues. But keep in mind that the company has strong margins and cash generation. So friends, overall we've explained company's business model, financials and all positive and negative points. Now you guys, please comment below in the comment section, what do you think about this IPO? Should we subscribe or avoid? Kya hame listing gain milega is IPO mein? For Angel Research View, we will publish our report on Angel One website on 9th December 21. Well, hamare saath bane rehne ke liye shukriya. And to get regular updates on our upcoming videos, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.